कितनी अजीब बात है ना, अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो उस ट्रिप में हम क्या करेंगे, कहाँ घूमेंगे, उन सब चीजों के बारे में हम 15 दिन पहले ही प्लान कर लेते हैं। लेकिन 70 साल की इस जिंदगी को हमने कभी प्लान करने का सोचा? बचपन से लेके आज तक हम बस भीड़ का हिस्सा बन के जीते आ रहे हैं। क्यों? इंडिया में 60% स्टूडेंट्स 10th के बाद साइंस का ऑप्शन चूज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बैठ गया है कि साइंस करेंगे तो ही बहुत अपॉर्चुनिटीज है। और इसी चक्कर में बिना इंटरेस्ट के और बिना किसी चीज को समझे 12th भी निकल जाती है, और इसके बाद भी करना क्या है ये कोई नहीं जानता, और फिर शुरू होती है कॉपी नकल। एग्जाम की नहीं, जिंदगी की, अपने करियर की। मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी यही करूंगा, और फिर हम इंजीनियरिंग लेते हैं और अगले 4 साल ये इंजीनियरिंग हमारी लेती है। इंजीनियर इस बात को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। यहां होता यह है कि दूसरों को डूबते हुए देख के भी और खुद को तैरना नहीं आता ये पता होते हुए भी हम बाकियों की तरह इस समंदर में छलांग लगाते हैं, और अकल तब आती है जब डूबने लगते हैं। डूबने से पहले संभल जाओ यार, अगर तुम्हें तुम्हारा इंटरेस्ट पता है, तुम्हारी मंजिल पता है, तो क्यों भीड़ के साथ चल रहे हो? घर वाले नहीं मान रहे तो मनाओ, बाद में 40 साल रोने से अच्छा है अब भी घर वालों के सामने रो, गिड़गिड़ाओ, जो करना है वो करो, पर उनको कन्विंस करो। पर उनको कन्विंस करने से पहले खुद उस बात से कन्विंस हो कि नहीं ये खुद से पूछ लेना। अरे जिस बंदे को फोटोग्राफर बनना है, कोई आर्टिस्ट बनना है या क्रिकेटर बनना है, उसको क्या जरूरत है फिजिक्स और केमिस्ट्री की? मुझे तो ये लॉजिक आज तक समझ में नहीं आया। और कई बार बाकी चीजों के चक्कर में हम कई ऐसी चीजें करना भूल जाते हैं जो कि हमें एक्चुअल में करनी चाहिए। और जो लोग बोलते हैं ना कि जिंदगी को बिना प्लानिंग के जीनी चाहिए, ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, मजा आता है, लिटरली मजा आता है। पर यार, जहां 5 दिन की ट्रिप बिना प्लानिंग के, बिना डायरेक्शन के नहीं हो सकती, वहां 70 साल की जिंदगी कैसे होगी? इसलिए जो पसंद है वो चीज करो, पर उसमें प्लानिंग होनी चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए, कोई मंजिल होनी चाहिए। और आज के इस एज में ये पॉसिबल है, क्योंकि दोस्त हम इंटरनेट के जमाने में, कोई 90s के जमाने में नहीं, जहां लोगों के पास लिमिटेड ऑप्शंस होते थे। पर आज इंटरनेट की वजह से जो भी चीज आपको पसंद है उसमें आप खुद का करियर बना सकते हैं। यहां लोग मूवीज देखकर पैसा कमाते हैं, घूमने का शौक है तो अपने शौक को पूरा करते करते पैसे कमाते हैं। मूवीज देखना पसंद करने वाले कई लोग यूट्यूब पर मूवीज के रिव्यू वीडियोस बनाते हैं, वेबसाइट पर मूवीज के ऊपर ब्लॉग्स लिखते हैं, ट्रैवल करने वाले वीडियो व्लॉग्स बनाते हैं, अपने एक्सपीरियंस को अपने वेबसाइट पर शेयर करते हैं, और बड़े बड़े ब्रांड्स खुद के प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए इनको पैसा देते हैं। साथ ही साथ गूगल एडसेंस से भी इनकी कमाई होती है। आपका भी कोई ऐसा इंटरेस्ट होगा जो आप खुशी खुशी करें, जो आपका करियर बने और आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग भी बनाए। दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं। कई बार हम बेफिजूल की चीजों पर अपना पैसा खर्च कर देते हैं। इस वक्त जैसे पूरी दुनिया की हालात है, हमें अपने पैसे अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए यूज करने चाहिए, अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और दोस्तों, इन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं आपको एक ऐप सजेस्ट करूंगा। इस ऐप का नाम है ग्रो, जो कि इंडिया का सबसे ट्रस्टेड और सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जहां केवल 3 स्टेप्स में 100% ऑनलाइन प्रोसेस के साथ आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहां स्टॉक्स खरीदने के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, और इक्विटी और डिलीवरी तो फ्री है, और इंट्राडे ट्रेडिंग में ऑर्डर वैल्यू के केवल 0.01% ब्रोकरेज है। ग्रो के स्मार्ट और इजी इंटरफेस की वजह से आपको अच्छा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस भी मिलता है। ग्रो में स्टॉक इन्वेस्टिंग ऑप्शन सबके लिए अवेलेबल नहीं है, पर यहां आपके पास एक एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास ग्रो ऐप इंस्टॉल है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बस आपको आपके रजिस्टर ईमेल आईडी और फोन नंबर के साथ गूगल फॉर्म भरना है। और आपने अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो ऐप को इंस्टॉल करके साइन अप करें, उसके बाद अपने रजिस्टर मेल आईडी और फोन नंबर से फॉर्म को फिल करें। जैसे ही 24 घंटे बाद आप एप्लीकेशन को अपडेट करते हो, वहां आपको स्टॉक का ऑप्शन दिखेगा। तो अभी ग्रो के साथ फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करो और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।